हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फसल मेनिया बितंकुर में। कुछ दिन पहले NISCL AO का नोटिफिकेशन आया था। अब समस्या क्या थी कि 13 अक्टूबर में IBPS क्लर्क का मेंस एग्जाम है और 13 अक्टूबर में ही NISCL AO का प्री एग्जाम है, और जैसा कि आज 29 सितंबर NISCL AO के अप्लाई करने की लास्ट डेट है, इसलिए काफी सारे कैंडिडेट को इंतजार था। अगर 29 सितंबर के पहले IBPS क्लर्क प्री का रिजल्ट आ जाता तो उससे क्लियर हो जाता कि NISCL AO के लिए अप्लाई करें या नहीं। देखो दोस्तों, अब 29 सितंबर के पहले IBPS क्लर्क का रिजल्ट तो आया नहीं और आज NISCL AO के अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर आपको 100% लगता है कि आपका IBPS क्लर्क प्री क्लियर हो जाएगा, तब तो आप NISCL AO को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप असमंजस की स्थिति में हैं या 50-50 आपको लग रहा है, तो आप NISCL AO के लिए अप्लाई कर दें। और एक रिमाइंडर आप सभी के लिए, कल टेस्ट बुक पर लो प्राइस की सबसे बड़ी सेल आई थी और कल उसका आखिरी दिन है, तो जिनको भी टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, कूपन कोड PM10 लगा लेना, आपको टेस्ट बुक का 1 ईयर का जो पास प्रो है बिल्कुल लो प्राइस में मिल जाएगा। और कमेंट में आप जरूर मेंशन करें किस किसने NISCL AO के लिए अप्लाई कर दिया है और किस किसने IBPS क्लर्क के वजह से NISCL AO अप्लाई नहीं किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।